कंप्लेंट वाले का नाम नहीं बता रहे नगर निगम वाले। अच्छा तो आप लोग फिर यहाँ पे इस तरीके से भीड़ लगा के कर रहे हैं वो ठीक है, रुकवा दिया, पत्थर तोड़ मारे सारे, और ये देखिए मूर्ति लग गई, सबको हटा रहे हैं, देखिए सबके टुकड़े बने हुए जिस तोड़वा दिए नगर निगम ने। वैसे तो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार में लोगों का, बीजेपी का कोई विधायक नहीं है, सबको फोन किया, किसी को फुर्सत नहीं है। अच्छा वोट के दम पे सबको फुर्सत है और काम होने के बाद में कोई झकने नहीं आता। अब जिसने भी कंप्लेंट करी है ठीक है ना, जिसने भी कंप्लेंट करी है वो क्या किया उसका हमें नहीं कह सकते, आप यहाँ के जांच कर लें, सारे अधिकारी मौजूद हैं, जांच कर सकते हैं कि कम हुआ है कि बढ़ाया गया है। इसको जाम लगाने का तरीका सही नहीं है, जाम लगाने से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। भाई साहब ये मंदिर तोड़ने नहीं दूंगी, एक इंच भी ज्यादा हो तो आप तोड़ो, एक इंच भी मेरा, एक इंच भी ज्यादा नहीं है मंदिर। और फिर नगर निगम वाले खुद हिंदू हैं या नहीं, हिंदू हैं या नहीं ये बता दें, नहीं है तो अपने नाम मोमडन से लिख दें। क्या मेरा नाम है रश्मि पंकज, नामित पार्षद हूँ मैं बीजेपी से हूँ। तो आपकी तो सरकार ये फिर भी टूट रहा है तो। कोई नहीं तोड़ रहा, तोड़ने वाला आए तो सही हमारे सामने। प्रशासन को अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो आता है यहाँ बात करता, आके अचानक से कि काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, पत्थर तोड़ दिए गए हैं रात में किसी ने। आप किस पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी की महानगर महामंत्रीपुर। तो सरकार तो आप ही की, आपकी सरकार में ही मंदिर नहीं, सरकार में, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। कर्मचारी नगर निगम के कुछ कर्मचारी तानाशाही दिखाते हैं और यहाँ पर तोड़फोड़ की है जो महिलाओं के द्वारा मुझे पता चला है। फोन करके बात कर रहे हैं कि एकदम तोड़ दिया गया, जबकि आप देख रहे होंगे वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल यहाँ जो अराजक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उन्होंने रूमर फैलाने का काम किया और वो पब्लिक को भड़का रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी, HBA न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आज आया हूँ रामगढ़ रोड पे, यहाँ पर रामगढ़ रोड पर आप देख सकते हो कितना बड़ा हंगामा है और यहाँ पर आरोप है कि यहाँ मंदिर को हटाए जाने की, पूरा नगर निगम के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा यहाँ इस मंदिर को हटाया जा रहा है। तो इतने सारे लोग हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण उपाध्याय। कहाँ से हैं आप? राठी नगर अलीगढ़। अच्छा यहाँ पर क्या मामला है ऐसा आप लोगों? 100 साल पुराना मंदिर है ये, मतलब इसको हटवाया जा रहा है नगर निगम द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा रहा है? नगर निगम द्वारा। नगर निगम द्वारा कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट वाले का नाम नहीं बता रहे नगर निगम वाले। अच्छा तो आप लोग फिर यहाँ पे इस तरीके से भीड़ लगा के कर रहे हैं वो ठीक है? रुकवा दिया, पत्थर तोड़ मारे सारे, और ये देखिए मूर्ति लग गई, सबको हटा रहे हैं, देखिए देखिए सबके टुकड़े बने हुए जिस तोड़वा दिए नगर निगम ने। अच्छा क्या नाम है आपका? भोला शर्मा। तो इस तरीके से आप कर रहे हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं इसमें? कानून डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे, कोई सुनवा नहीं रहे। आप इधर आ जाइए कैमरे के सामने। डीएम साहब को फोन कर रहे हैं इनके अधिकारी, उन पर टाइम नहीं है, सुबह 11 बजे जी 11 बजे तक कौन दे रहा है, कोई रात को तोड़ेगा फिर किसकी जिम्मेदारी है? ना तो लिखित में दे रहे ना कुछ दे रहे। भैया कहने का मतलब है यहाँ भीड़ बहुत सारी है, इनका कहना है कि यहाँ प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, भीड़ भी है। तो भैया क्या नाम है आपका? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम RK गुप्ता। किस दल से हैं आप? इधर कैमरे के सामने आते हैं, किस दल से हैं आप? मैं निरंजनपुरी का रहने वाला सामान्य नागरिक हूँ जी। तो यहाँ पर भीड़ में शामिल हुए हैं या इसको रोकने के लिए आए? नहीं, मंदिर का जो पुराना मंदिर है उसका रिनोवेशन चल रहा था, लेकिन वो रिनोवेशन रोक दिया गया है। ये हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उसको आप जो है विध्वंस कर रहे हैं, उसके विरोध में आए हम। इनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है, जो यहाँ अधिकारियों से हम पूछा गया कि अधिकारी लिखित आदेश दिखाइए किस आदेश से रोका जा रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। बस उनकी एक तानाशाही है कि नहीं मंदिर अभी काम नहीं चलेगा, मंदिर पे अभी इस समय काम नहीं चलेगा, आप उस समय काम रोक दीजिए। वैसे तो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार में लोगों का, बीजेपी का कोई विधायक नहीं है, सबको फोन किया, किसी को फुर्सत नहीं है। अच्छा वोट के दम पे सबको फुर्सत है और काम होने के बाद में कोई झकने नहीं आता। भैया का कहना है बीजेपी के कोई विधायक यहाँ नहीं आए। भैया मामला बड़ा पेचीदा है, यहाँ पर 5 बजे से भैया प्रोग्राम चला, 5 बजे से अभी तक नहीं आया कोई भी, पाँच बजे से प्रोग्राम चल रहा है तोड़ा ताली का, कोई विधायक कोई नेता कोई नहीं आया यहाँ पे अभी तक। अच्छा अच्छा तो आप लोगों में कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? सारे गली के मिलकर कर रहे हैं, कोई एक दो नहीं है, पूरे गली मिलकर, पूरी गली आम जनता। आस्था का मंदिर है, यहाँ पर पूरी निरंजनपुरी पूरी आती है, यहाँ पर पूरी ज्ञान सरोवर महासरोवर यहाँ पर पूजा करने आती है। ये जाम लगा हुआ है, ये जनता जाम लगा रही है, ये पब्लिक नहीं मान रही, सब फोन मानने की कोशिश कर रहा हूं, पब्लिक नहीं मान रही। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा यहाँ तो जाम लगाया जा रहा है जिस तरीके से,
जाम नहीं लगाए होने चाहिए। एक घंटे से अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हमने ये चीज बढ़ाई हुई है, हम कह रहे हैं नहीं बढ़ाई हुई, हमने एक एक फीट और कम की है। अब जिसने भी कंप्लेंट करी है, ठीक है ना, जिसने भी कंप्लेंट करी है वो क्या किया उसका हमें नहीं कह सकते। आप यहाँ के जांच कर लें, सारे अधिकारी मौजूद हैं, जांच कर सकते हैं कि कम हुआ है क्या बढ़ाया गया है। नहीं, इसको जाम लगाने का तरीका सही नहीं है, जाम लगाने से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये लेडीजों का कहना ये है कि जो भी अधिकारी है उसे अभी एक घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर यहाँ बुलाओ, इसका निर्णय अभी होना चाहिए। यहाँ आप जो जाम लगा रहे हैं ठीक है, नहीं मैं जाम नहीं लगवा रहा, मैं बहुत समझा रहा हूँ। यहाँ पर जनता के द्वारा जो जाम लगाया जा रहा है, यहाँ कोई एम्बुलेंस भी फंस सकती है, तो कृपया भैया हम लोग भी आपसे कहेंगे आप अपना काम सही तरीके से करें। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सैनी है, मैं यही का व्यापार मंडल में हम सब लोग हैं। अभी हम प्रयास यही कर रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है एडीएम मैडम से, उन्होंने 11 बजे तक का आश्वासन दिया है हमें जी। तो इसी आश्वासन के लिए अभी सबसे प्रेयर करके सबको शांति से साइड लाइन ले रहे हैं। तो ये जाम लगवा रहे हैं, इसमें जाम लगवाने के पीछे क्या क्या मामला है? किसी ने गलत वो कह दिया, उसे भीड़ आ गई थी, जाम नहीं है, भीड़ आ गई थी जाम नहीं। अच्छा भैया का कहना है भीड़ नहीं है, भीड़ आ गई है, जाम नहीं लगा है। और भी हमारे साथ बहुत सारी भीड़ है। हाँ भैया क्या नाम है आपका? राम अवतार शर्मा नाम है मेरा। अच्छा आप किसी दल से हैं या आम? मैं आम नागरिक हूँ और यहाँ से गुजर रहा था और यहीं पड़ोस में मेरा मित्र भी वहीं बैठा था मैं जी। बहुत पौराणिक मंदिर हमारा है, मंदिर हमारा टारगेट हो रहा है, ये हमें बहुत हमारे लिए कष्ट का विषय है। पहले नगर आयुक्त महोदय आते हैं, फिर एजीएम साहब आते हैं, तत्पश्चात इंस्पेक्टर साहब को भी बुला लिया जाता है। इससे थोड़ा सा मनसा जो है गलत जाहिर हो रही थी, तो मंदिर पुराना है, जीर्णोद्वार का काम हो रहा है, कोई आज से काम नहीं चल रहा कि आज ये कल से काम शुरू हो आज रुकवाने आगे, पिछले 20 दिन से जो है ये काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, अचानक से रोकने आना ये थोड़ा सा समझ से परे है। इन प्रशासन को अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो आता है यहाँ बात करता, आके अचानक से कि काम नहीं होगा ये नहीं होगा, पत्थर तोड़ दिए गए हैं रात में किसी ने। तरीके तो ये भी है, आप प्रशासनिक मदद लें, नियम से अपनी कार्रवाई कराएं, लेकिन इस तरीके से भीड़ लगा के जाम लगा के ये तो कहीं ये सब लोग साइड में हैं, कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे थे उसकी वजह से आपको लग रहा है कि जाम लग गया, सब लोग वार्ता कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए थे फर्ज आप देख ही रहे होंगे, सब लोग शांतिप्रिय माहौल में अपना काम कर रहे हैं, कोई भी विवादास्पद स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं हुई है। बहन जी हमारे साथ है, बहन जी क्या नाम है आपका? मैं रीता राजपूत जी, रीता राजपूत मेरा नाम है। अच्छा आप किस पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी की महानगर महामंत्री पूर। तो सरकार तो आप ही की, आपकी सरकार में ही मंत्री? नहीं सरकार में, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, कर्मचारी नगर निगम के कुछ कर्मचारी तानाशाही दिखाते हैं और यहाँ पर तोड़फोड़ की है जो महिलाओं के द्वारा मुझे पता चला है। नहीं, आपका कहने का मतलब है, दीदी कह रही है कि कर्मचारी तानाशाही दिखा रहे, आप तो बीजेपी के नेता है फिर भी तानाशाही दिखा रहे? पता नहीं चल पाया ना, पता नहीं चल पाया था, अभी पता चला है तो आए हैं अधिकारियों से वार्तालाप होगी। अच्छा तो क्या तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? अभी अधिकारियों से अभी बात नहीं हो पाई है, अधिकारी अभी बता रहे हैं कि अभी जो है बैठ के बात करेंगे, हमारे विधायक जी भी आ रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद बात होगी क्या रीजन रहे क्या नहीं रहे। इन लोगों ने चंदा देकर इसको निर्माण कार्य हो रहा था यहाँ पर और निर्माण कार्य बहुत अच्छे स्तर से हो रहा था, इन्होंने क्यों तोड़ा है क्यों नहीं तोड़ा अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा तोड़ा किसने? नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा ही बताया जा रहा है जी, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस मंदिर को तोड़ा गया है। लोगों का कहना है कि इनकी आस्था को बहुत ठेस पहुंची है इससे, जिससे कि ये लोग ऐसा नहीं चाहते कि इनकी आस्था को ठेस पहुंचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, प्रशासन पूरा व्यवस्था बनाए हुए में बनाने में लगा हुआ है, पूरा बड़े स्तर पर प्रशासन है, भीड़ को यहाँ पूरी भीड़ है जो कि प्रशासन को आप देख सकते हैं प्रशासन रोकने में नाकाम हो रहा है और यहाँ लोगों को इतनी परेशानी हो रही है आने जाने में कि जिससे कि यहाँ जाम की व्यवस्था पूरे तरीके से बनी हुई है। और भी यहाँ हमारे साथ और लोग हैं, भैया क्या नाम है आपका? सुरेश सैनी नाम है मेरा। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य? यहाँ जो पतवारी मतलब हमारी 100 साल से ऊपर की सारी पुरानी बहुत पुरानी पतवारी है, हमारे पिताजी हमारे बाबा ने यहाँ पर पूजा करी है जी, इसलिए मतलब ये तोड़ा जा नगर निगम वाले तोड़ रहे हैं इसको, इसलिए हम यहाँ अच्छा नगर निगम वाले क्यों तोड़ रहे हैं इसको? बोले बड़ा ही हमने अब जो हमारी है पहले हम पे वो सबूत रखे हुए, इसके सबूत के चक्कर में हमने उतनी पत्थर लगवाए थे, ये गिराई थी जो खड़ चुकी थी, ये दोबारा से निर्माण जो क्या नया निर्माण कोई नहीं है। पूछने का मतलब है कि नगर निगम वाले आखिर तोड़ क्यों रहे हैं इसको? किसी की अधिकारी के इनके पास खबर आई हुई है कि गलत बना हुआ है, वो गलत बना रहे हैं,
आप ये बताइए क्यों गलत बना रहे हैं? जैसे कि पुराने खंडित हो गया, कोई नया मतलब पुराना मकान टूटे आता है तो नया नहीं बनाते हैं, तो फिर इस बात को होनी चाहिए ना भाई साहब। ये मंदिर तोड़ने नहीं दूंगी, एक इंच भी ज्यादा हो तो आप तोड़ो, एक इंच भी मेरा एक इंच भी ज्यादा नहीं है मंदिर। और फिर नगर निगम वाले खुद हिंदू हैं या नहीं, हिंदू हैं या नहीं ये बता दें, नहीं है तो अपने नाम मोमडन से लिख दें। मेरा नाम है रश्मि पंकज, नामित पार्षद हूँ मैं, एक इंच भी मेरा मंदिर बड़ा नहीं है। आप तोड़ने का किसी ने आपसे कहा तो आप जनता से या पार्षदों से तो वहाँ आके पूछना चाहिए कि बहन जी क्या हो रहा है, आप आने लगे तोड़वाने, ये नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं नहीं तोड़ने दूंगी अपने मंदिर को। आप मस्जिदों क्यों नहीं तोड़ते, एक हाथ तोड़ कर तो दिखाओ हमें, मंदिरों पर ही हमला है सारा, मंदिरों पर हमला नहीं होने दूंगी। किस पार्टी से आप, किस पार्टी से? मैं बीजेपी से हूँ। तो आपकी तो सरकार ये फिर भी टूट रहा है तो। कोई नहीं तोड़ रहा, तोड़ने वाला आए तो सही हमारे सामने, अभी तक हमारा हाथ नहीं लगाया किसी ने मंदिर पे, कोई ये तो शिकायत पे आई है पुलिस नगर निगम से, वैसे नहीं एक किसी ने तोड़ा नहीं है हमारा। कल जो होता है पत्थर तोड़ दिया, ये देखिए डेनी नाइट के पत्थर मंगाई तो बोलते है ना आप लोग, हमारी जनता पे टूटी है ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हाँ नगर निगम हाथ नहीं लगाएगा, हमारा ये वादा है। अच्छा नगर निगम तोड़ना क्यों चाह रहा है इसको? नगर निगम पे शिकायत गई है कि ये मंदिर बढ़ के बना है, परंतु बढ़ के नहीं बना, एक इंच भी नहीं बढ़ा है भाई साहब जी। यहाँ पार्षद थे यहाँ के अलीगढ़ के, बहुत सारी जनता है, पूरे कॉलोनी पूरा अलीगढ़ के लोग यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, और आप देख सकते हो कि लोग किस तरीके से यहाँ लोगों के बीच में विरोध है कि मंदिर को न तोड़ा जाए। आखिर नगर निगम क्यों तोड़ना चाहता है ये तो नगर निगम ही जानता होगा। जी सर, यहाँ पर बहुत बड़ा भीड़ का विरोध हो रहा है मंदिर को तोड़ने के लिए, सर क्या मामला है? देखिए इसको बढ़ा चढ़ा के रिवर फैला रहे हैं लोग जी, सूचना मिली थी कि इस तरह से सड़क पे बढ़ा के मंदिर बना रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को या नगर आयुक्त साहब के आदेश में, फिर मैं मौके पर आया तो देखा काम रुकवाया गया था, सहमत भी हो गए थे सारे लोग जो थे कि भाई वार्ता कर लीजिए, उस तरह कोई शिकायत मिली है तो उसमें बैठ के जो है आप फोटो दिखाइए, जो भी दिखाइए पुरानी जो फोटो हो नई फोटो मिला के अधिकारियों से वार्ता करके वो कर लीजिए, सब मामला शांत हो गया था। अब नए नए लोग जो रूमर फैला रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, तोड़ रहे हैं ये कर रहे हैं, उल्टी सीधी खबरें प्रसारित करके और यहाँ भीड़ को बढ़ावा दे रहे हैं, न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आए आपने क्या देखा, ये बढ़ा हुआ है मंदिर या इतना ही बना हुआ जितना पहले था? देखिए ऐसा है, जब तक इसकी पुरानी फोटो और नया कंस्ट्रक्शन को मैच ना किया जाए तब तक कहना ठीक नहीं है। वैसे रोड साइड में जो बताया जा रहा है आगे इस पर निर्माण कार्य रहेगा या आपकी तरफ से जांच होगी उसी के बाद इसका निर्माण कार्य होगा? देखिए इसमें उच्च अधिकारी जो डिसाइड करेंगे वही होगा, इनमें हमने बड़ा विनम्रता पूर्वक इनको बता दिया भाई आप उच्च अधिकारियों के साथ बैठ गया, तो पहले आप संज्ञान लाते भाई कोई चीज कर रहे हो आप, ऑन रोड बना हुआ है, पहले तो केवल गोल चबूतरा था, मैंने भी देखा है केवल चबूतरा था, अब उसको अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप अधिकारियों के नॉलेज में लाते कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो कोई चीज़ें नहीं होती। आप भी आ गया चलो कोई बात नहीं, उसको कोई हटा उस तरह का नहीं हो रहा, लेकिन उच्च अधिकारियों के साथ बैठ के अपनी बात रखिए और उसके बाद जो डिसीजन होगा उसका पालन करें जी। सर ये जनता के द्वारा बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये नगर निगम के द्वारा कराया गया, ये क्या यहाँ पे तोड़ने का कार्य भी किया गया, क्या ये सही है यहाँ तोड़ने का काम? बिल्कुल झूठ है, एक भी किसी ने कुछ उसको छुआ भी हो तो बता दो, बिल्कुल झूठ रिवर फल, यही बता रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम अभी जो फोन करके बात कर रहे हैं कि एकदम तोड़ दिया गया, जबकि आप देख रहे होंगे वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल यहाँ जो अराजक तत्व है शरारती तत्व है उन्होंने रिवर फैलाने का काम किया और वो पब्लिक को भड़का रहे हैं। जी सर आपका नाम सर? मुझे टीपी सिंह कहते हैं, मैं विनम्रपूर्वक अनुरोध करता हूं ऐसा कुछ नहीं है और इसमें उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है, उच्च अधिकारियों से जो भी मौजूद लोग हैं अपने वार्ता करके उस मामले को सेटल करेंगे। जी सर धन्यवाद सर। ओके वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।